हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड द लेसन नंबर 9 फ्रॉम क्लास 4 फ्रॉम रेनड्रॉप्स इंग्लिश रीडर। एंड द नेम ऑफ द लेसन इज डू यू वांट टू प्ले फुटबॉल। एंड दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस लेसन। सो वी विल सी हु इज आस्किंग डू यू वांट टू प्ले फुटबॉल। मोनिका ड्रीम्स ऑफ बीइंग इन ए फुटबॉल टीम, बट व्हेन शी सजेस्टेड टू द गेम्स टीचर शी इज स्टन्ड टू हियर दैट इट्स नॉट रियली अ गेम फॉर गर्ल्स। बट मोनिका इज नॉट ए पर्सन वो गिव्स अप ईजीली। मोनिका का ड्रीम था कि वो फुटबॉल टीम का हिस्सा हो, लेकिन जब उसने ये चीज़ जो है अपना ये सजेशन जो है गेम्स टीचर को बताया तो वो शॉक हो गई ये सुनकर, क्योंकि ये जो गेम था वो गर्ल्स के लिए नहीं था। लेकिन मोनिका एक ऐसी पर्सन नहीं थी जो आसानी से हार मान जाए, आसानी से गिव अप कर दे। सेक्शन 1 फुटबॉल। मोनिका मर्मर्ड। फुटबॉल मोनिका ने बताया। हर बिग ब्राउन आईज शोन एज शी गेज्ड इनटू द डिस्टेंस निबलिंग एट हर थंब एज दो इट वर हर फेवरेट चॉकलेट बार। उसकी जो ब्राउन आईज थी वो चमक रही थी और वो डिस्टेंस से देख रही थी, घूर रही थी, अपने थंब से बाइट ले रही थी, क्योंकि ये उसकी फेवरेट चॉकलेट बार थी। फुटबॉल निधि। हर बेस्ट फ्रेंड लुक पजल। उसकी जो बेस्ट फ्रेंड निधि थी वो पजल होकर उसने पूछा, फुटबॉल व्हाई कांट वी हैव ए फुटबॉल टीम। मोनिका सेड ड्रीमली। क्यों हम एक फुटबॉल टीम नहीं बना सकते। मोनिका ने कहा, ए फुटबॉल टीम यू आर मैट। एक फुटबॉल टीम तुम क्या पागल हो गई हो। निधि वॉज अबाउट टू से, निधि बोलने ही वाली थी, बट शी स्टॉप बिकॉज शी न्यू इट वुड बी ए वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन वो रुक गई क्योंकि उसे पता था कि ये ऐसा कहना वेस्ट ऑफ टाइम है। No one could stop Monica when she got something into her head. कोई भी मोनिका को नहीं रोक सकता जब वो अपने दिमाग में कोई चीज़ ले आती है। She would go on till everyone was forced to give in. वो उसके पीछे जाएगी और जाएगी तब तक कि सारे लोग जो हैं उसकी तरफ नहीं हो जाते। And when she really thought about it, और जब उसने इसके बारे में सोचा, निधि टू रियलाइज्ड दैट दे वर नथिंग क्रेजी अबाउट द आइडिया। निधि ने भी रियलाइज्ड किया कि इस आइडिया में कुछ भी क्रेजी नहीं है। बिकॉज वाई शुड नॉट दे हैव ए फुटबॉल टीम, क्योंकि उनकी एक फुटबॉल टीम क्यों नहीं होनी चाहिए। वाई कुड नॉट गर्ल्स प्ले फुटबॉल, जो फुटबॉल है वो गर्ल्स क्यों नहीं खेल सकती। बट बिफोर निधि कुड शेयर हर ओपिनियन मोनिका हैड ऑलरेडी जंप्ड अप। लेकिन इससे पहले कि निधि जो है अपनी कुछ ओपिनियन देती, मोनिका ऑलरेडी जंप करती है। आई एम गोइंग टू आस्क मिस्टर सेन अबाउट इट, शी क्राइड। मैं मिस्टर सेन से इस बारे में पूछती हूँ, उसने चिल्ला के कहा। वेट, निधि सेड। निधि ने कहा, रुको, लेट्स डिस्कस इट, इसे डिस्कस करते हैं। बट मोनिका वॉज ऑलरेडी रेसिंग अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड्स द गेम्स टीचर। लेकिन मोनिका जो है वो जब बड़ी तेजी से गेम्स टीचर की तरफ बढ़ जाती है। क्रेजी, निधि शूक हर हेड। निधि अपना सिर हिलाती और कहती है, क्रेजी। देन फॉलोड एज फास्ट एज ही कुड, और उसके पीछे बड़ी तेजी से जाती है। दिस वॉज वन कन्वर्सेशन शी डिड नॉट वॉन्ट टू मिस। ये कन्वर्सेशन वो मिस नहीं करना चाहती थी गेम्स टीचर और मोनिका के बीच। शी केम टू ए हॉल्ट थिंकिंग इट लुक्ड लाइक मोनिका हैड जस्ट पॉप द क्वेश्चन। वो बड़ी तेजी से आती है और हाँफने लग जाती है, एकदम से झटके से रुकती है। हॉल्ट मतलब झटके से एकदम से रुकती है, और पेंट मतलब जैसे उसको सांस चढ़ जाती है। इट लुक लाइक मोनिका हैड जस्ट पॉप द क्वेश्चन, ऐसा लग रहा था कि मोनिका बस क्वेश्चन पूछने ही वाली है। बिकॉज ऑन मिस सेन फेस वॉज ए मिक्सचर ऑफ सरप्राइज एंड अम्यूजमेंट, दे एडोर्ड देयर गेम टीचर। क्योंकि उसने मिस सेन का जो फेस है वो सरप्राइज और अम्यूजमेंट से देखा, और वो अपने गेम टीचर को बहुत प्यार करते थे। वेल सेड मिस सेन रनिंग हर फिंगर्स थ्रू हर शॉर्ट कर्ली हेयर। मिस सेन ने अपनी जो फिंगर्स हैं वो कर्ली हेयर्स में घुमाई और कहा, आई रियली डोंट सी व्हाई यू कांट हैव इट। मैंने ये नहीं देखा कि तुम ये क्यों नहीं कर सकते। ऑफकोर्स मैम, इट्स नॉट रिटन एनीवेयर दैट देयर इज ए लॉ अगेंस्ट गर्ल्स प्लेइंग फुटबॉल। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है लॉ में जो फुटबॉल गेम है वो गर्ल्स के खेलने के लिए नहीं है। मोनिका पोनीटेल शूक एज शी स्टेटेड हर केस वेमेंटली। मोनिका की जो पोनीटेल है वो चोटी जो है वो हिली जब उसने अपनी ये बात इस केस को ऐसे कहा। वेमेंटली मतलब स्ट्रांगली कहा। मिस सेन लाफ लाउडली। मिस सेन जो है वो जोर से हंसती हैं। टेल यू व्हाट शी सेड, तुम्हें क्या कहूँ, उसने कहा। आई आस्क द प्रिंसिपल बट वी विल हैव टू गेट ए स्पेशल कोच। मैं प्रिंसिपल से पूछूंगी लेकिन हमारे पास स्पेशल कोच होना चाहिए। आई एम अफ्रेड आई कांट टीच यू फुटबॉल। मैं डरती हूँ कि मैं तुम्हें फुटबॉल नहीं सिखा सकती।
आई कॉन्ट वेट टिल द गेम्स पीरियड, मैं गेम्स पीरियड तक इसका वेट नहीं कर सकती। मोनिका विस्पर टू निधि द नेक्स्ट डे। मोनिका ने जब निधि के कान में ये कहा तो जो मिस मनी थी मैथ्स टीचर, या मैथ्स टीचर, उन्होंने उन्हें एकदम से कठोर आंखों से देखा, धूर्ती हुई आंखों से देखा। स्टर्न मतलब कठोर और फ्रॉन मतलब ऐसे अपनी आंखों को मतलब बहनों को रेस करके देखा। मे बी द प्रिंस ही लाइक द आइडिया, शायद जो प्रिंसिपल है उनको आइडिया पसंद आएगा। एट लास्ट द गेम्स क्लास अराइव्ड, और आखिर में गेम्स क्लास आ गई। इवन निधि हैड ए हार्ड टाइम कीपिंग अप विद मोनिका एज शी स्पेड टूवर्ड्स द गेम्स फील्ड। यहाँ तक कि निधि भी जो है बहुत हार्ड टाइम निकाल रही थी क्योंकि वो मोनिका के साथ गेम्स फील्ड में जाना चाहती थी। शी कॉर्नर मिस सेन बिफोर शी कुड गेट टू डीप इन टू हर ड्यूटीज़। उन्होंने मिस सेन को एक कोने में घेर लिया इससे पहले कि वो अपनी ड्यूटी स्टार्ट कर दी। बट द यंग टीचर शूक हर हेड सैडली, लेकिन जो यंग टीचर थी उसने अपना सिर जो है वो सैडली दुखी होकर हिलाया। आई एम सॉरी मोनिका, द प्रिंसिपल सेज इट वॉन्ट बी पॉसिबल। आई एम सॉरी मोनिका, प्रिंसिपल ने कहा ये पॉसिबल नहीं है। इट विल मीन प्रिपेयरिंग ए न्यू फील्ड, हायरिंग ए कोच ETC, क्योंकि इसके लिए हमें एक नई फील्ड बनानी पड़ेगी, कोच हायर करना पड़ेगा, एंड लॉट ऑफ एक्स्ट्रा मनी विल हैव टू बी स्पेंड, और बहुत सारा एक्स्ट्रा मनी जो है हमें स्पेंड करना पड़ेगा। ऑल्सो शी सेज इट्स नॉट रियली ए गेम फॉर गर्ल्स, आई एम रियली सॉरी, और यहाँ तक कि ये गेम जो है वो लड़कियों के लिए है भी नहीं, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। सेक्शन टू, मोनिका वाज स्टंड, मोनिका स्टंड हो गई, स्टंड मतलब शॉक हो गई। मैम मोनिका ब्रस्ट आउट वन शी हैड रिकवर्ड हर विट्स। मोनिका जो है वो जोर से रोने लगी और जैसे कि उसने अपना जो विट्स, अपना जो दिमाग है वो स्ट्रेस से भर लिया। बट मिस सैन वॉज ऑलरेडी हरिंग टूवर्ड्स वन ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट्स, लेकिन मिस सैन जो है वो एक बैडमिंटन कोर्ट्स की तरफ बढ़ गई। एंड व्हेन मोनिका ट्राई टू फॉलो निधि पुल्ड हर बैक, और जब मोनिका ने उसको फॉलो करने की कोशिश की तो निधि ने उसे पीछे खींच लिया। फॉरगेट इट शी सेड, मिस सैन कांट डू एनीथिंग, भूल जाओ मिस सैन कुछ भी नहीं कर सकती। यू नो इट्स द प्रिंसी हु डिसाइड एवरीथिंग, तुम्हें पता है ना प्रिंसी जो है वो सब कुछ डिसाइड करती हैं। और मोनिका सेड जर्किंग हर आर्म्स आउट ऑफ निधि होल्ड एंड स्टॉम्पिंग ऑफ इन ए हफ, मोनिका जो है वो झटके से अपनी आर्म निधि के पास से छुड़ाती हैं और गुस्से में आगे बढ़ती हैं। स्टॉम्पिंग ऑफ इन ए हफ यानी कि गुस्से में आगे बढ़ती हैं। बट ए फ्यू मिनट्स लेटर शी वॉज डैशिंग अबाउट द बास्केटबॉल फील्ड लीपिंग एंड टॉसिंग गोल्स नियरली इन टू द बास्केट, लेकिन कुछ ही मिनट बाद वो जो है बास्केटबॉल फील्ड में चली गई और वहाँ पर गोल्स को टॉस करने लगी और वहाँ पर उछल कूद करने लगी बास्केट में। इट डिड नॉट मीन शी हैड फॉरगेटन और गिवन अप, इसका मतलब ये नहीं था कि वो भूल गई है या उसने छोड़ दिया है। एज निधि डिस्कवर लेटर, ऐसा निधि को बाद में पता चला। व्हेन आफ्टर स्कूल शी एंड मोनिका वेंट फॉर देयर इवनिंग रन इन द पार्क, स्कूल के बाद जब वे और मोनिका जो है वो इवनिंग रन के लिए गई पार्क में, दे हैपन टू लिव इन द सेम नेबरहुड, वो जो है सेम नेबरहुड में ही रहती थी, विच मेड इट ईजी फॉर देम टू मीट आफ्टर स्कूल, जिससे उनके लिए स्कूल के बाद भी मिलना आसान हो जाता था। नॉट ए गेम फॉर गर्ल्स, मोनिका स्नॉर्टेड, गर्ल्स के लिए ये गेम नहीं है, मोनिका स्नॉर्टेड, मोनिका ने सांस भरते हुए कहा। गर्ल्स कैन प्ले हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस, बट नॉट फुटबॉल। गर्ल्स जो है वो हॉकी खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, वॉलीबॉल खेल सकते हैं, टेनिस खेल सकते हैं, लेकिन फुटबॉल नहीं। एंड वी आर गिवन सो मैनी लेक्चर्स ऑन द इक्वालिटी ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, और हमें इतने सारे लेक्चर दिए जाते हैं जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स को सेम बताया जाता है। इट डज सीम हॉरिबल अनफेयर, ये तो बहुत ही भयानक अनफेयर है, निधि ने कहा। बट वट कैन वी डू, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? ऑफकोर्स वी कैन डू समथिंग, हम जरूर कुछ कर सकते हैं, मोनिकाज माउथ सेट डिटरमाइंडली, मोनिका का जो माउथ है वो एकदम से निश्चित था। वट, प्ले फुटबॉल, मोनिका रिप्लाइड। शी ग्लेयर्ड एट निधि एज इफ डेयरिंग हर टू डिसएग्री, फुटबॉल खेलते हैं, मोनिका ने रिप्लाई किया। शी ग्लेयर एट निधि एज इफ डेयरिंग हर टू डिसएग्री, प्ले फुटबॉल, मोनिका रिप्लाइड, मोनिका ने रिप्लाई किया। शी ग्लेयर्ड एट निधि एज इफ डेयरिंग हर टू डिसएग्री, मोनिका ने कहा फुटबॉल खेलते हैं। उसने निधि को चमकती हुई आंखों से देखा जैसे कि वो उससे डेयरिंग कर रही है, उससे डिसएग्री है, उससे सहमत नहीं है। फर्स्ट मोनिका राउंडेड अप ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स इन द कॉलोनी, सबसे पहले मोनिका ने ग्रुप ऑफ गर्ल्स को घेरा कॉलोनी में, कॉलोनी में बुलाया और उन्हें घेर लिया।
When she persuaded them, it was very important. फिर उसने उनको उत्साहित किया कि जो फुटबॉल खेलना है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. बट हु इज गोइंग टू टीच अस, पर हमें कौन सिखाएगा, निधि ने पूछा. एज दे वर वॉकिंग अवे आफ्टर हैविंग रिक्रूटेड द लास्ट मेंबर ऑफ देयर टीम, ऐसे ही वो चलने लगे जब उन्होंने अपने टीम का लास्ट मेंबर को रिक्रूट किया. मोनिका थॉट हार्ड, मोनिका ने हार्डली सोचा. आई नो, शी सेड, मुझे पता है. दोस गाइस, यू नो सुमित एंड अनुज एंड द रेस्ट, तुम सुमित और अनुज को जानते हो और बाकी लोगों को. दे प्ले फुटबॉल रेगुलरली इन द पार्क, वो पार्क में रेगुलर फुटबॉल खेलते हैं. वी कैन आस्क देम टू लेट अस जॉइन देयर गेम, हम उनसे पूछते हैं कि हमें गेम खेलने दें. यू थिंक दे विल एग्री, तुम्हें लगता है वो एग्री हो जाएंगे, निधि ने दी आस्क इनक्रेडुलसली. निधि ने डिसबिलीविंग वे में, यानी कि ना विश्वास करते हुए पूछा. यू नो वट डेट सुमित इज लाइक, तुम्हें पता है ना सुमित कैसा है. वी कैन ट्राई, मोनिका रिप्लाई, हम ट्राई कर सकते हैं, मोनिका ने रिप्लाई किया. सो स्टूडेंट, दिस इज द पार्ट वन फ्रॉम द लेसन. डू यू वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल, एंड वी विल सी हाउ दे आर गोइंग टू प्ले फुटबॉल विद द बॉयज इन द पार्क एंड लेटर ऑन इन द स्कूल. एंड सून आई विल शेयर यू द बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन. सो प्लीज वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो.